कैरी कर सकते हैं। जॉनथन टेक्स वन डाउन, गॉडल जी गॉड ऑलरेडी आगे, बेंटा टीम के साथ आए थे, प्रिपेयर्ड आए थे फाइट के लिए, बट मीनवाइल जी गॉड जी गॉड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ये सिर्फ सप्रेसिव फायर है, एक प्लान जरूर हमें आपस प्लेयर की तरफ से देखने को मिल रहा है। क्लच गॉड देखेंगे आते हैं प्रीटी मच श्योर, क्लच गॉड को डकन जो कि यहां पे अब एक अच्छा खासा डिसाइडर ग्रेट कर सकते हैं टॉस, बट मियो की तरफ से वो ग्रेट जाएगा। ओके जॉनथन के ग्रेट ने यहां पे कंफर्मेशन भी निकाल दिया, तो अगेन एक क्या देख आपको लगातार हमें फाइट साथ दिख रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस, डार्क इज वेरी क्लोज, इजली यहां पे इनको भी टेक डाउन किया सकता है बिकॉज़ जॉनथन इज एट अ गुड हाइट एडवांटेज एंड यहां से आराम से थोड़ा सा मैं बोलूंगा प्लेयर को कंफ्यूज कर सकते हैं, बैकअप पीछे ऑलरेडी मौजूद तो हाँ। काफी आराम से ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को भी यहां पर बाहर कर दिया जाएगा। एक एग्रेशन के लिए टीम एक्सो इज हियर एंड अब दिस इज द टाइम फॉर द थर्ड पार्टी एंड फाइट शुरू ऑलरेडी हो चुके हैं। रॉक्स की तरफ से सेंसी को यहां पे डाउन कर देंगे, रॉक्स इज स्टिल होल्डिंग ऑन द स्टेयर्स, पंक के साथ ही फाइट लेंगे बट पंक जस्ट गेट द एचपी कितनी कम, कैसे रॉक्स ही गॉट इट दैट एंटी फोर नाउ जस्ट हैज नॉट बीन एबल टू गेट एनीथिंग फॉर नाउ एंड ही इज जस्ट होल्डिंग, एक अच्छा एंगल का वेट कर रहे, एक अच्छे मौके का वेट कर रहे हैं, एंट्री लेंगे एक एक करके प्लेयर्स को बाहर करने के लिए, स्पॉट किया जाएगा पंक को भी, उनको भी यहां पर डाउन कर चुके हैं। लेट्स सी एक अकेला खिलाड़ी बचा है एनकोर, एक क्या देख यहां पे पिकअप करते हैं बट फियर्स व्हाट अ ग्रेट एंट्री, सही टाइम पर एंटर कर देंगे ज्ञानपुरी की पूरी टीम को, काफी बढ़िया तरीके से बचा लेंगे बट एट द एंड की पूरी तरीके से कैपिटलाइज की जा सकती है इस टीम की तरफ से। डेफिनेटली यहाँ पर ब्लीड ऑलरेडी प्ले जोन के अंदर एंड रादर देन बीइंग इनसाइड द प्ले जोन ऑलमोस्ट द सेंट्रल पार्ट अगेन ओबे एंड फिनटॉक्स दे जस्ट माइट गेट इनटू अ क्लैश इफ दे आर आल्सो हैविंग एन हाइट एडवांटेज, तो कहीं ना कहीं इफ यू आर हैविंग 4 मैन एडवांटेज यू आर हैविंग हाइट एडवांटेज, यू आर हैविंग द सर्कल एडवांटेज, जैसे पर्टिकुलर 0.5 शुरू करें बट जॉनथन ऑन द अदर हैंड टेक्स कार्ड डाउन, लेट्स सी किस तरीके से फाइट चलाते हैं बिकॉज़ आई जस्ट सॉ MK14 थी उनके हाथ में एंड इट इज अ ग्रेट इट इज अ लेजेंडरी वेपन, आई ऑलवेज से दिस बिकॉज़ वी नो दैट जो फाइस पर गई है ब्लीड ऑलरेडी होल्ड कर रही थी, सो दिस इज अ टाइम जब फाइनली ब्लीड के साथ फाइट की शुरुआत होगी। जॉनथन ऑन द अदर हैंड फियर्स को यहां पे डाउन कर देंगे बट जॉनथन इज आल्सो टेकन अप बाय सेंस, सही काफी बढ़िया एक इंस्टेंट आएगा लेकिन नियो ऑन द हैंड इज गोइंग फॉर कंफर्मेशंस, कोशिश की थी काफी बार डैमेज देगी बट ही इज नॉट ट्राइंग टू ओवर कमिट एट दिस पर्टिकुलर फाइट, अगर आप ओवर एग्रेस कर जाएंगे अब वो कमिट कर जाएंगे तो हो सकता है माइट बी कि ये जो एक्शंस आप ले रहे हैं वो आपके लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। इट हैज शिफ्टेड, इट विल जस्ट गिव यू 40 सेकंड्स टू गेट इनसाइड द प्ले जोन, ऑफ कोर्स टीम गॉड लाइक दे आर आउट ऑन अ रोड ट्रिप, प्लेयर्स देखेंगे उनको एलिमिनेट करने के लिए जॉनथन तैयार रहेंगे बट फॉर नाउ ही इज जस्ट गेटिंग इन टू क्लोज, ही इज गेटिंग इन टू क्लोज ऑफ अ कंफर्ट बट ट्रिक शॉट, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू गो डाउन द MK14, इट जस्ट विद फायर विंटर अगले हैं यहां पर लाइन में, पूरे तरीके से स्प्रे ट्रांसफर किया विकी के ऊपर, दिस गाय कैन नॉट बी टेकन डाउन, जस्ट लुक एट द रिप्ले, ही गेट्स वन स्विचेस हिज वेपन टेक्स विंटर डाउन एंड ट्रांसफर्स द स्प्रे टू विकी, it was beautiful to watch how the last guy surviving came Jonathan the 1v4 heroes, I don't think so yahan par zyada dikkat create kar payenge although this player doing because Neo ko pura head pop ho raha tha aapka, he can easily take it on him, he did same and 15 finishes already ho chuke, I think teams yahan par mujhe kyun lagta hai ki Godl ke samne aage thoda sa kaap si ja rahi, thoda sa bhaybhit ho ja rahi, I don't think is tarike se khelna chahiye, you have to play that aggressive game, you have to go for that because so Obe they definitely had a good compound but the next play zone is going to be very deadly but what is the players of what is this Obe they just come in right into the center of the road, they just get out of the vehicle and Neo spraying them down gets the first and is looking for some more. जी हाँ, लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पे फाइट शुरुआत होती है अब इन टीम्स की बिकॉज दिस इज द एंडिंग फाइट, यहाँ पे हम गलतियां नहीं कर सकते। जॉनथन टेक्स वन डाउन, गॉडल जी गॉड ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं फॉर द फाइट, ऑलरेडी पूरी की पूरी टीम को विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई यहाँ पर खत्म किया जाएगा, नॉट इज जस्ट लेफ्ट विद थ्री टीम्स एंड जस्ट लुक एट दिस TF player, that solo player is still surviving. Puri team eliminated ho chuki thi way back, but still this player is surviving. And on the other hand, Obey Flash, he's just trying to spot Neo. Ek kafi achhe area pe hai, and he has to go ahead. He has to move forward to just give the revival. But agar aap revival ko chhod de and aage badhe, shayad ye cheez lage because that revival kind of it is a predictable situation. Yahan pe team already scoping karke baithi hai ki aap revival ke liye jayenge. But Jonathan with this MK14, ek kya dekh lagatar yahan par finishes, but hota yaar, drop ki loot we already say kafi zyada benefit deti hai. Level 3 gears aapko mil chuke hain, and uske sath आपको एक बढ़िया गन मिल चुकी है, बढ़िया वेपन मिल चुका है, सो व्हाट डू यू नीड कॉन्फिडेंस एंड वो तो कूट कूट के भरा इस टीम के अंदर, सो एट दिस पॉइंट ये टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रही है। हां नंबर्स एडवांटेज नहीं है, इक्वेशन इज नॉट फेवरिंग देम, बट अब जब जॉनथन भी डाउन जा चुके हैं इट इज जस्ट लेफ्ट विद नियो, तो लेट्स सी रिवाइवल की कोशिश करेंगे, स्मोक का एक डेंस क्लाउड है तो प्रीटी मच श्योर रिवाइवल तो मिल जाएगा, बट उसके बाद क्या कमबैक आ पाएगा दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन।
attack up as well. And heal करके यहाँ पर Thatch के ऊपर damage दी दिया है. Jerix को spot किया जाएगा, takes him down. Neo gets one, instantly prones out, ताकि Matrix जो trade करने की कोशिश कर रहे थे उनको पूरी तरीके से deny किया जाएगा. And he is still looking for some more. On the other hand, Z-God in a 1v1 with Matrix, he takes him down. Godlike, they are turning his 4v2 around. ये टर्न अराउंड काफी ज्यादा मुश्किलों में डाल सकता है. फ्लैश नाउ इन द 1v1 अगेंस्ट नियो, ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बन रहने वाला है. फ्लैश कनेक्टिंग टू शॉट, बट नियो ही इज फास्टर एंड बेटर एंड मोर एक्यूरेट, ही गेट्स दैट पिक. बट प्लीज जोन के अंदर जाना पड़ेगा नियो को. नियो हैज टू गेट इनसाइड. जी गॉड नियो, दोनों के दोनों प्लेयर्स लो हैं, बट ओबे दे आर स्टिल यूजिंग बोथ वे बल्स. एक गेट्स वन अगेन, बट ग्रेट फाइट. Star Boy now moving forward towards the last player, that is going to be Neo. He has a very little HP to work with, but will he be able to clutch it out? Just look at this. First is Naya. He's still having the bandages only. Let's see kya fight hum wait karne ke liye aage badhenge, because is point se yahan par galtiyan nahi kar sakte. HP nahi hai to ab aap dikkat mein already phas chuke. Equation favor aapko nahi kari, number advantage nahi hai to kahin na kahin I think situation puri tarike se Obe ko favor kar rahi. But Neo, let's see kya situation ke against ja payenge. Nahi, he can't. Vidhi ka vidhan hai, aur already ho chuka hai. Kafi badhiya tarike se fight ko jeeta hai.